भूकंप क्या होता है? आप हंस रहे हैं ना मुझे ऐसे लुढ़कता देखकर, है ना? अरे नहीं नहीं, जितना हंसना है हंस सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है क्या हुआ था अभी? चलिए आपको बताता हूं दोस्तों, अभी और कुछ नहीं, बस एक भूकंप आया था, वो भी बहुत छोटा सा। आइए मैं आपको आज भूकंप के बारे में बताता हूं। आ जाइए दोस्तों, धरती की सतह काफी टेढ़ी मेढ़ी सी है। जी हाँ, ये जमीन एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये जमीन करीब 20 टुकड़ों में बटी हुई है जो लगातार हिलते रहते हैं, लेकिन महसूस नहीं होता क्योंकि ये काफी धीरे हिलते हैं। दोस्तों, हर टुकड़े को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जब भी ये प्लेट्स किसी चीज से टकराती हैं या फिर एक दूसरे के पास से निकलती हैं, तब ऐसे में भूकंप आ जाता है। वो सतह जहां ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ रगड़ती हैं, उसे फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कब होता है? दोस्तों, ऐसा हमेशा होता रहता है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। ज्यादातर टाइम हम भूकंप महसूस नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन कई बार ये काफी तेज होते हैं और करीब 1600 किलोमीटर दूर से भी महसूस किए जा सकते हैं। जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे कहा जाता है हाइपोसेंटर, और जहां वो धरती की सतह पर होता है उसे कहा जाता है एपिसेंटर। भूकंप तीन प्रकार के होते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहां एक प्लेट भूकंप के दौरान दूसरी के ऊपर आ जाती है और इससे झटका लगता है। क्या आप जानते हैं कि कई पहाड़ और पर्वत कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से होते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और एक रिफ्ट जोन बनाती हैं। इससे महासागर की नई सतह बनती है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इसमें प्लेटें एक दूसरे के पास से फिसल जाती हैं और इसे कहा जाता है स्ट्राइक स्लिप। तो भूकंप और कुछ नहीं बल्कि धरती की सतह का अचानक से हिलना या घूमना होता है। अब आपको पता चल गया कि जब भी धरती गुस्से में होती है तो वो बहुत जोर से हिलती है। डरिए मत, मैं मजाक कर रहा था। ट्रिविया टाइम। दोस्तों, जिस यंत्र से वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता नापते हैं उसे कहा जाता है साइस्मोग्राफ। सुनामी तब आता है जब पानी के नीचे भूकंप आता है। याइक्स! मैं जल्दी से जाता हूँ इससे पहले कि फिर से गिर जाऊं। तो अभी वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।